सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को भी लेटेस्ट टेक्निकल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जिन्हें कि आप शायद ही आप जानते हो। दोस्तों, व्हाट्सएप पर फोटोज, वीडियोस, अपने लोकेशन को शेयर करने के सिवाय और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। तो आज इन्हीं में से 5 फीचर्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, आज हम बात करते हैं व्हाट्सएप के इन 5 फीचर्स के बारे में। तो यहाँ जो पहला फीचर आता है, इससे आप अपने किसी खास ग्रुप या किसी खास पर्सन से आ रहे मैसेजेस के नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि अगर किसी खास ग्रुप से आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहे हैं व्हाट्सएप पर और आप चाहते हैं कि आप उस ग्रुप का नोटिफिकेशन बंद कर दें ताकि उस ग्रुप पर अगर कोई मैसेज आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं आए, तो आप जो है इसे या फिर आप जो है किसी पर्सन का नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं तो आप जो है इस ट्रिक को फॉलो करके उसे बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस पर्सन के व्हाट्सएप प्रोफाइल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको राइट में क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको म्यूट नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने अनुसार से सेट कर सकते हैं कि आपको कितने समय के लिए उसका नोटिफिकेशंस बंद करना है और फिर आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करके इस सेटिंग्स को सेव कर दीजिएगा। तो आपको इस उस पर्सन का जो है नोटिफिकेशंस उतने समय के लिए नहीं आएगा जितना समय के लिए आप वहाँ पर सेट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, इससे आप अपने रीड मैसेजेस को बंद कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड के मैसेजेस को पढ़ें लेकिन उसे इस बात का पता नहीं चले कि आपने उसके मैसेज को पढ़ लिया है, मतलब कि उसके मैसेज में वहाँ पे डबल ब्लू टिक का ऑप्शन नहीं दिखे जब आप उसके मैसेजेस को पढ़ लेते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे आना है और अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे आपको रीड रिसिप्ट्स का ऑप्शन को यहाँ पे इसे डिजेबल कर देना है। इसके बाद आप जो है किसी के मैसेज को पढ़ेंगे तो उसे इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपने उसके मैसेज को पढ़ लिया है। नेक्स्ट फीचर है, इसमें आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पर प्राइवेसी लगा सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोफाइल फ़ोटो को वही देखे जिसका नंबर आपके फ़ोन में सेव हो, मतलब कि आप जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन में सेव हो वही आपके प्रोफाइल पिक्चर को देख पाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल पिक्चर कोई ना देखे तो भी आप जो है इससे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आपको अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपने अनुसार से सेट कर सकते हैं कि आपका प्रोफाइल कौन देखे। तो जैसे मैं यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट से को सेट करता हूँ तो वही मेरा प्रोफाइल फ़ोटो वही देख पाएगा जिसका नंबर मेरे फ़ोन में सेव होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर दिया गया है, इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा किससे बात किया है। तो ये चेक करने के लिए आप जो है इसे फॉलो कीजिए। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आपको डेटा एंड स्टोरेज यूजेज के ऑप्शन पे आना है और नीचे आपको यहाँ पे जो है स्टोरेज यूजेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपने सबसे ज़्यादा किसके साथ यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर चैट किया है। या इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, इसमें आप अपने व्हाट्सएप पर कस्टम नोटिफिकेशन साउंड लगा सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी खास कॉन्टैक्ट में अगर आपके किसी खास व्हाट्सएप पर किसी खास पर्सन का मैसेज आए तो उसका साउंड अलग आए, तो नोटिफिकेशन साउंड अलग आए तो आप इस ट्रिक यूज कर सकते हैं। इसे जो है आप किसी खास कॉन्टैक्ट में जो है किसी खास तरह का नोटिफिकेशन साउंड लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसके प्रोफाइल पर आना है जिसका आप नोटिफिकेशन साउंड बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कस्टम नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यूज कस्टम नोटिफिकेशंस को इनेबल कर देना है और फिर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन टोन को सेट करना है। तो आप यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन टोन अलग सेट कर सकते हैं ताकि आपका जब उस पर्सन का नोटिफिकेशन आए तो आपका वो नोटिफिकेशन साउंड बजे।
तो दोस्तों आपने इस वीडियो में WhatsApp के 5 ऐसे फीचर्स के बारे में जाना जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।